नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज अटेली विधानसभा विधायक सीताराम यादव ने महासर, घड़ी, खारीवाड़ा आदि विभिन्न गांवों का दौरा कर क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया तथा लोगों की समस्याएं सुनी व जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। सीताराम यादव आज दोपहर बाद मोहनपुर गाँव पहुंचे, जहाँ पंचायत की तरफ से विधायक को अपना मांग पत्र दिया गया। मांग पत्र में लिंक रोड, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने तथा पेयजल की व्यवस्था, बाबा शीलनाथ आश्रम की चार दीवारी व सती माता के मंदिर तक पक्की सड़क निर्माण के लिए के जोड़ के अंदर रिचार्ज बोर्ड कराया जाए। नंबर दो, हमारे गांव से गढ़ीरुथल तक सड़क बनाई जाए। वैसे इसको गढ़ीरुथल लिखा है, ऐसे ये मास्टर का रास्ता है जी। बाबा शिवनाथ आश्रम की चार दीवारी एम एक कमरा और बाथरूम बनाया जाए। अड्डा रोडी की चार दीवारी एम शमशान भूमि की पहले चार दीवारी बनी हुई है, लेकिन वो नीची है, उस पर 3 फुट और ऊंची कराई जाए। सती माता के मंदिर तक पक्की सड़क बनवाई जाए। स्कूल ग्राउंड की चार दीवारी बनाई जाए। हमारे गांव में एक सब सेंटर खुलाया जाए, ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज गांव में भी हो सके। गांव के बीच में एक जोड़ है, जिसकी सफाई कराई जाए और उसकी चार दीवारी कराई जाए। आए दिन उसमें पशु गिर जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हरिजन बोर से हरिसिंह को तक सड़क बनाई जाए। हमारे गांव से हरिसिंह की ढाणी तक रोड लक्ष्य जो मांग पत्र रखे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनवरी महीने में लास्ट तक मुख्यमंत्री जी अपने जिले में आएंगे, तो आपके जो लिंक रास्ते जो मेरे को लिख के दिए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसी दिन मुख्यमंत्री जी से ये सभी जो लिंक रास्ते हैं, इनकी मैं घोषणा नारनौल से उसी दिन मैं करवाने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी जो और छोटी मोटी जो गलियां हैं, वो हमारे पास विधायकों के पास तो कोई विशेष ग्रांट नहीं होती, लेकिन डी प्लान एचआरडीएफ जो स्कीमों से जो पैसे आते हैं, उनमें छोटे मोटे काम मैं आपके सभी जो मांग पत्र में जो काम है, ये सभी पूरे करने का काम करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका खुले हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही शांति से सुना। आप लोग इतनी तादाद में हमारे इस धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंचे, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। दमदार खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।